से अच्छी नहीं लगती। आई थिंक हम सबको फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। एंड आफ्टर खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली मैं और ज़्यादा फिटनेस की तरफ चली गई हूँ, बिकॉज आई नो दैट फिट होना कितना ज़रूरी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर कोर स्ट्रेंथ एज वेल। जी जी, कौन कौन वेल मुझे पूरी लिस्ट तो पता नहीं है कौन कौन जा रहा है। रुबीना को जानती हूँ मैं डेफिनेटली, और आई थिंक काफ़ी अच्छे, मतलब द लिस्ट इज़ वेरी गुड। सो आई डोंट नो कि कौन यू नो इनमें से स्ट्रॉन्ग है या किन्हें सपोर्ट करूँ, बट आई फील कि जो भी जा रहे हैं उन सबको यही कहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उस शो में डेफिनेटली। यार वाई नॉट सी मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वहाँ पर यू नो मेंटली स्ट्रॉन्ग और होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो यू जस्ट नीड टू कीप योर माइंड काम, एंड आई थिंक द वे आई सॉ हर इन बिग बॉस, आई थिंक शी इज़ प्रीटी गुड एंड आई एम श्योर शील डू वेल। रियलिटी शो मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है एंड इंशाल्लाह अगर कुछ आ रहा होगा आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। लॉकअप तो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गपशप तो।